रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड्स कुकिंग इन ईजी वे। आज की रेसिपी चॉकलेट केक की है और चॉकलेट केक एगलेस बनाएंगे, यानी अंडे के बगैर। तो एक कप दूध लिया है मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। और इसमें एक कप मैंने मैदा लिया है केक के लिए, और ये पौना कप चीनी, आधा पौना अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं। और हाफ कप ऑयल लिया है, चंद ड्रॉप्स इसमें वेनिला एसेंस के डाल लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आइसिंग शुगर ली है मैंने, आइसिंग शुगर में ये कि ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हैंड बीटर से, हैंड ब्लेंडर से मिक्स हो जाती है आराम से। एक कप मैदा और तीन टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं कोको पाउडर के, और एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसी में डाल के मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको हिलाते हुए एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में बैटर बनाते हुए हिलाना है। बैटर माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ बन गया है। केक को बेक करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, और बटर पेपर नहीं लगा रही, इस पर मैदे की डस्टिंग कर दी है, तो बैटर इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक को बेक होने के लिए रख देते हैं 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 35 मिनट्स के लिए। केक माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है, तो इसमें हम ऊपर से दूध लगाएंगे। केक के ऊपर से चॉकलेट लगा देते हैं।
मसूरी के साथ इसे फैला देते हैं लेवल करके। चॉकलेट केक के ऊपर स्प्रिंकल्स लगा लेते हैं। बहुत ही स्पंजी और मज़ेदार चॉकलेट केक तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।